कांग्रेस सांसद डीके शिवकुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद से हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इन कार्रवाई को प्रतिशोध की सियासत करा दिया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई के ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। कर्नाटक में जगह जगह छापेमारी हुई। इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उनके नेता को जानबूझकर राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम बेंगलुरु के डोडाहल्ली, कनकपुरा और सदाशिव नगर में छापेमारी करने पहुंची। सीबीआई की ये छापेमारी कथित भ्रष्टाचार केस में हुई। सीबीआई की छापेमारी सोमवार सुबह 6 बजे कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के डोडाहल्ली गांव में स्थित डीके शिवकुमार के घर से शुरू हुई। डीके शिवकुमार कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं, जबकि उनके भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद हैं। जिन आवास पर छापेमारी की गई, उनमें एक शिवकुमार के करीबी इकबाल हुसैन का भी घर है। सूत्रों का कहना है कि इस छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम को 50 लाख रुपए कैश मिला। इस कैश को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। इस बीच डीके शिवकुमार के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। सभी लोग छापेमारी का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने सीबीआई छापेमारी की निंदा की और कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही प्रतिशोध की राजनीति और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। डीके शिवकुमार के घर पर सीबीआई की छापेमारी उपचुनावों के लिए हमारी तैयारियों को पटरी से उतारने का एक प्रयास है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीबीआई की इस कार्रवाई की आलोचना की। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कहा मोदी और येदियुरप्पा दोनों मिलकर सीबीआई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डीके शिवकुमार की संपत्तियों पर छापेमारी से हम नहीं रुकेंगे। सीबीआई को येदियुरप्पा सरकार के भ्रष्टाचार की परतों को उजागर करना चाहिए। रेड राज चलाकर वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजकीय षड्यंत्र है, ये डराने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डरने वाले निम्न ऐसे नहीं है, तो अटेंशन को डाइवर्ट करने का काम ये कर रही है। सीबीआई को मिसयूज बीजेपी सरकार कर रही है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये इस सीबीआई ईडी को बीजेपी लगातार देश भर में यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके खिलाफ बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। सीबीआई ने कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रहे डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई की टीम कर्नाटक में 9, दिल्ली में 4, मुंबई में 1 सहित 14 ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची। पिछले साल सितंबर में शिवकुमार को 4 दिनों तक पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी 2017 में उनके घर पर हुए आयकर विभाग की छापेमारी के आधार पर हुई। इस छापेमारी में उनके घर से 8.6 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। इस रकम की कमाई का जरिया पता नहीं चल सका था। ईडी ने 2018 में शिवकुमार के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दायर की गई चार्जशीट के आधार पर मामला दर्ज किया था। डीके शिवकुमार कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते हैं। कर्नाटक में कई बार उन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई है और ऐसे में जब उनके यहाँ छापेमारी हुई तो कांग्रेस भी उनके बचाव में उतर आई। कांग्रेस एक बार फिर आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर बीजेपी उनके नेता को निशाना बना रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।